सो पाकिस्तान में अगर आप नादरा ऑफिस जाएं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए तो वो इतनी जल्दी में होते हैं कि कोई ना कोई गलती तो कर ही जाते हैं, और तस्वीर तो आपकी इतनी जल्दी में ली जाती है कि शनाख्ती कार्ड पर अपनी तस्वीर देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूँ, बल्कि उल्टा आपको अपने आप से नफरत ही होने लग जाती है कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान नादरा ऑफिस की जानिब से बनाए गए कुछ फनीएस्ट आईडी कार्ड्स दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले ये आईडी कार्ड देखें जो किसी खातून का है, जिसका नाम लिखा हुआ है सवाल बीबी, जिंस औरत और शोहर का नाम जवाब खान। वाकई भाई इनका तो कोई जवाब नहीं है। इसी तरह ये आईडी कार्ड भी देख लें जो मोहम्मद शफी साहब का है, जिन्स मर्द है और वालद के नाम की जगह पे चिड़िया लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं गलती से हुआ है या फिर वाकई इनके वालिद का नाम चिड़िया है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में दें, टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। अब इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया ये आईडी कार्ड भी देख लें जो मोहम्मद बख्श साहब का है, जिन्स मर्द है और शनाख्ती अलामत की जगह पे लिखा हुआ है जनाब टांगे कमजोर हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले आईडी कार्ड की तरफ, ये भी थोड़ा सा फनी है। इसमें देखे बंदे का नाम लिखा हुआ है रमजान मुबारक और नीचे बाप के नाम की जगह पे लिखा हुआ है ईद मुबारक। अब ये वाकई ऐसे नाम मौजूद हैं या फिर ये कोइंसिडेंस है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। शाबाश बेटा। और ये देख लें पता नहीं किस इलाके की खातून है कि जिनके आईडी कार्ड के ऊपर इनका नाम साबुन बीबी लिखा हुआ है, भई अब इनके शोहर का नाम कम अज कम डेटोल तो होना चाहिए। ये अगला पाकिस्तानी आईडी कार्ड किसी पठान भाई का है, यहाँ पर देखें इस पठान भाई का नाम लिखा हुआ है लाकिस्तान खान और जबकि इनके बाप का नाम है पाकिस्तान खान। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब इसी तरह अरशद कमर साहब का ये आईडी कार्ड भी देख लें जिनका नीचे लिखा हुआ है शनाख्ती अलामत में ये बहुत ज्यादा हसीन है। ये आईडी कार्ड की कॉपी भी किसी पठान भाई की है, इस पठान भाई का नाम देखो यार कितना अजीब है, पॉलिटिकल खान, और शनाख्ती अलामत की जगह पे लिखा हुआ है कान में सुराख का निशान। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से इशू किया गया ये आईडी कार्ड भी देख लें जिसमें बंदे के नाम की जगह पे लाहौरी लिखा हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान की इस खातून का नाम भी देख लें जिनके आईडी कार्ड के ऊपर इनका नाम साहब बीबी लिखा हुआ है और शोहर का नाम है शामन। इसी तरह ये आईडी कार्ड भी देख लें जो शायद किसी पठान भाई का है, जिन्होंने अपने नाम की जगह पे शायद अपने शहर का नाम लिखवा दिया, इस्लामाबाद खान, और वालिद का नाम है गुलमदार। ये बाबूराव का स्टाइल है। दोस्तों वैसे अगर आप गली मोहल्ले में किसी को पागल कह दें तो वो आपसे लड़ने लग जाएगा, लेकिन इन पठान भाई का नाम ही है पागल खान। आर यू कॉमेडी मी? पहले आपने सिटी का नाम सुना इस्लामाबाद खान, अब आप एक पूरे मुल्क का नाम सुन लें अफगानिस्तान खान। पाकिस्तान में रहने वाले इस बंदे का नाम है अफगानिस्तान खान, जिन्स मर्द है और वालिद का नाम है जरबाग। यही नहीं अभी और सुनिए, पठान भाई जब बच्चे का नाम रखते हैं तो मुझे तो लगता है इन्हें जो भी चीज नजर आती है उस पे बच्चे का नाम रख देते हैं। अब इसी तरह इस भाई साहब का नाम देख ले, इनका नाम है बोतल खान। अब ये आईडी कार्ड देखने के बाद तो मुझे कंफर्म लगता है कि ये नादरा वालों की ही गलती है। इस आईडी कार्ड में देखें भाई साहब का नाम लिखा हुआ है गुल शामीर जबकि जिंस लिखा हुआ है औरत और शोहर के नाम की जगह पे खदीजा बीबी लिख दिया। इसी तरह इस पठान भाई का नाम भी देख लें जिनका नाम है वजीर आजम खान, जिंस है मर्द और वालिद का नाम है बादशाह खान। ये शनाख्ती कार्ड बनाने वाला तो पक्का लगता है पीटीआई का था, देखे नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड कैसा इसने बनाया है, नाम ना अहल नवाज शरीफ, जिंस चोर, वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ और शनाख्ती अलामत गंजा ताहयात। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इसी तरह ये आईडी कार्ड भी देख लें जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शाया किया गया है, नाम अंजुम मसूद खान, जिंस औरत,
भाई इतना अच्छा भला नाम है उनका मर्दों वाला और आपने उन्हें औरत ही बना दिया। गजब बेइज्जती है। और पाकिस्तान नादरा ऑफिस के कमाल भी देख लो भाई, एक बंदा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ और उसका शनाख्ती कार्ड बना दिया है, या फिर शनाख्ती कार्ड पहले बना के बाद में उसे पैदा करवाना चाहते हैं। ये देखें, इस बंदे का नाम है रहमान खान, जिन्स मर्द, वालिद का नाम कायम दीन और तारीख पैदाइश की जगह पे 31/13/2019। ऐसे तो हम पाकिस्तान के आईडी कार्ड्स का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये एक आईडी कार्ड हमारे सामने आ गया सिंगापुर का। देखें इस आईडी कार्ड में बंदे का नाम लिखा हुआ है बैटमैन बिन सुपरमैन। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और कराची के अल्ताफ भाई का भी देखो, किसी ने आईडी कार्ड बना ही दिया जिसमें तफसील कुछ इस तरह से लिखी हुई है, नाम अल्ताफ भाभी, जिन्स नामालूम, वालिद या शोहर का नाम फिरौन, शनाख्ती अलामत टेलीफोन और तारीख पैदाइश 31/13/0420। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। दोस्तों अगर लड़कियों के आईडी कार्ड उनकी फरमाइश के मुताबिक बनाए जाते तो उन्होंने अपने आईडी कार्ड कुछ इस तरह से बनवाने थे, नाम पापा की परी, जिन्स औरत, वालिद का नाम बाबा जानी, शनाख्ती अलामत क्यों बताऊं, तारीख पैदाइश क्यों बताऊं। दोस्तों ये तो हो गई थी मजाहिया बातें और मजाहिया आईडी कार्ड्स, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन की बात भी बताते चलें। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे पहला आईडी कार्ड किन्हें इशू किया गया था? पाकिस्तान का सबसे पहला आईडी कार्ड पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को इशू किया गया था, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।